मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों आज मैं पुनः उपस्थित हो गया हूँ अपने चैनल के ऊपर अपने दर्शक मित्रों के द्वारा, अपने सब्सक्राइबर मित्रों के द्वारा किए गए कमेंट का जवाब देने के लिए। मित्रों आज सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ममता पंडित जी का। ममता पंडित जी ने आम आदमी बीमा योजना के बारे में लिखा है कि क्या इस पॉलिसी को एजेंट ब्रांच में जमा कर सकता है। ममता जी इस पॉलिसी को ब्रांच में आप जमा नहीं कर सकती हैं। दूसरा एक प्रश्न है, मैं इसको प्रश्न नहीं मैं इसको उत्तर समझता हूँ। महेश पठाड़े साहब ने लिखा है LIC न्यू कमीशन चार्ट के संदर्भ में कि बहुत से एजेंट को पता नहीं होता कि मिलता कितना है और देना कितना है। बहुत से एजेंट एक डैश से 10% तक देते हैं, शायद एजेंट को कमीशन का आईना दिखाने का उद्देश्य हो सकता है। महेश जी मैं नतमस्तक हूं आपकी सोच के आगे कि आपने मेरे भावनाओं को इंटरनली समझने की कोशिश किया है। अदरवाइज कई सारे अभिकर्ता मित्र तो मेरे साथ में इन बातों के ऊपर बदतमीजी से भी पेश आ रहे हैं। उनको ये बात नहीं मालूम कि एक कमीशन चार्ट में क्यों देना चाह रहा हूं उसे और उससे उनका हित क्या है। मेरे कई मित्रों ने गाली देने के अलावा वो फोन करके बताया है कि आप तो अपना 25 या 50 रुपया कमाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। मित्र महेश जी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपने मेरी भावनाओं को, आपने मेरे थॉट को समझने की कृपा करी है, धन्यवाद महेश जी। दोस्तों अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं शुभम नामदेव जी का। शुभम नामदेव जी ने हमारे CCA एजेंट वीडियो के संदर्भ में पूछा है कि सर हम अभी न्यू एजेंट बने हैं, क्या हम भी CCA एजेंट बन सकते हैं। शुभम जी आप CCA एजेंट अब नहीं बन सकते हैं, अगर आपको बनना था तो आप पहले आप इसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी। मित्रों एक हमारा वीडियो कोरोना सर्वे फॉर्म के संबंध में एक मित्र ने हमारा लिखा, जिनका नाम वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, इन्होंने लिखा है कस्टमर की सैलरी सिक्योर बीमा का प्लान कैसे बनाए एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, प्लीज हेल्प मी। वीरेंद्र जी हमने इसके ऊपर 3 से 4 वीडियो दिया हुआ है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे आकर के उस वीडियो को जरूर देखें जहां पे सबसे पहले अभिकर्ता को हमारे ग्राहकों का इनकम प्रोटेक्शन पॉलिसी ही देनी चाहिए। हमने इनकम प्रोटेक्शन पॉलिसी की बात करी है, आप हमारे चैनल पे जाकर के उस वीडियो को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। एक मेरे मित्र हैं भुवनेश जी LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, इन्होंने लिखा है कि माई फादर हैव 757 सिविल स्कोर एंड वी विल लिव इन उत्तराखंड, आई हैव चूज लोन फॉर परचेज प्लॉट एंड हाउस कंस्ट्रक्शन। मिस्टर भुवनेश जी आप इसके बारे में आप हमारे नजदीकी शाखा से बात करें, वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे कि आपके पिताजी को लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, या जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन लेना चाहते हैं वहां पे LIC हाउसिंग फाइनेंस लोन दे सकती है या नहीं दे सकती है। गुड्डू शाह जी का एक मैं प्रश्न ले रहा हूं, जैसे मैंने 5 लाख का लोन लिया तो कितने परसेंट ब्याज होगा एक महीने का। गुड्डू साहा जी आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल के ऊपर इस तरह के कोई कैलकुलेशन नहीं बताई गई है, तो निश्चित तौर पे आप हमारे हाउसिंग फाइनेंस के ब्रांच को विजिट करें, वहां पे आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। मित्रों एक हमारे दर्शक हैं बोधि प्रकाश जी, इन्होंने लिखा है हमारे LIC कमीशन चार्ट वाले वीडियो के संदर्भ में कि सेंड मी। तो बोधि प्रकाश जी आपने पूरा वीडियो शायद देखा नहीं है, उसके कुछ मापदंड है सेंड करने के, आप वो जरूर देख लीजिएगा। मित्रों LIC निवेश प्लस LIC यूली प्लान के वीडियो के संदर्भ में एक हमारे मित्र हैं जिनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बिन्से इज गॉड, उन्होंने लिखा है मस्त है। डेफिनेटली मेरे मित्र ये मस्त भी है और बहुत बेहतरीन पॉलिसी भी है, आपको जरूर लेनी चाहिए।
मंदाकिनी सावंत जी ने लिखा है एलआईसी एजेंट नॉमिनेशन फॉर्म के संबंध में। उन्होंने लिखा है, मैं पिछले 16 सालों से एलआईसी एजेंट हूँ, मैं सिंगल हूँ, मेरे नॉमिनी फादर थे, फादर एक्सपायर हैं, तो मेरे आई की लड़को नॉमिनी रख सकते हैं क्या? मंदाकिनी जी, आपसे निवेदन है कि आप हमारे ब्रांच के क्लेम डिपार्टमेंट में या पॉलिसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में या ऑफिस ओएस डिपार्टमेंट में एक बार बात करें, वहां से ये आपको क्वेश्चन क्लियर किया जाएगा। मित्रों, एक और प्रश्न मैं ले रहा हूं संजय कुमार जी का। संजय कुमार जी ने लिखा है हमारे डेथ क्लेम वीडियो के संदर्भ में कि सर मर्डर कम्स अंडर नेचुरल और एक्सीडेंटल डेथ क्लेम, प्लीज आंसर सर। संजय कुमार जी, मैं यहां पे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन किस संदर्भ में पूछ रहे हैं और इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, तभी मैं इसका आंसर दे पाऊंगा। एक और न्यू कमीशन चार्ट के ऊपर सत्यजीत जी हैं, इन्होंने लिखे हैं फालतू वीडियो। सत्यजीत जी, कोई भी वीडियो, कोई भी चीज फालतू नहीं होता, आपके ज्ञान, आपकी समझ और आपकी मनोवृत्ति के ऊपर वो डिपेंड करती है कि उसमें से आप क्या अच्छाई और क्या बुराई आप लेते हैं। दोस्तों, हमारे पूरे भारतवर्ष में 2500 से ज्यादा हमारे अभिकर्ता मित्रों की डेथ हो गई है। इस वीडियो के संदर्भ में जगदीश प्रसाद जी ने हमें साथ देने की कोशिश करी है। उन्होंने लिखा है आई एम विथ यू सर। जगदीश प्रसाद जी, हमारे हौसला बढ़ाने के लिए, हमें साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक LIC क्लब मेंबरशिप के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया है उसके संदर्भ में राजीव कुमार पाठक जी लिख रहे हैं आई एम एन LIC एजेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2021 सेल 22 पॉलिसी इन बैक 4 पॉलिसी लैप्स सो इन 2019 and 2020 कैन बी। मित्रों, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने शाखा के सेल्स डिपार्टमेंट में इस बात का कंफर्म करें कि आपका क्वेश्चन क्या है और वहीं से आपको प्रॉपर उत्तर मिल जाएगा। न्यू कमीशन चार्ट के वीडियो के संदर्भ में कल्पेश जैन जी लिखे हैं आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ कल्पेश जी, प्रोवाइड, आपने शायद वीडियो पूरा देखा नहीं है, उसमें हमने प्रोवाइड करने की ही बात करी हुई है। आप उस वीडियो को पुनः पूरा देख लें, उसमें आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, एक दीपेंद्र कुमार झा जी लिखे हैं हमारे 2500 जो अभिकर्ता की डेथ हुई है उसके ऊपर जो हमने वीडियो बना के दिया था कि एजेंट यूनियन से डायरेक्ट जुड़ने का लिंक नंबर शेयर करें प्लीज। डीके झा साहब, आप अपने ब्रांच, आप अपने डिवीजन में के बारे में मुझे बता दें, मैं अपने टीम को आपसे संपर्क करके वहां के एजेंट यूनियन से आपसे मिलवा दूंगा, बात करवा दूंगा। अन्यथा हर ब्रांच में, हर डिवीजन में हमारा एजेंट फेडरेशन है, आप उसके बारे में पता करके आप खुद भी मिल सकते हैं। कविंद्र यादव जी ने लिखा है वर्चुअल प्रॉपर्टी वर्सेज एक्चुअल प्रॉपर्टी के संदर्भ में एक्सीलेंट सर, वेरी यूजफुल सर। कविंद्र यादव जी, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे इस लाइव कार्यक्रम को ध्यान से सुना होगा, तभी आप मुझे आभार दे रहे हैं। और मैं इस तरह के और भी सेशन आपके लिए लाना वाला हूं जहां पे और भी बेहतर प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं और साथ में प्रार्थना भी करता हूं कि जो प्यार, आशीर्वाद, स्नेह और अपनत्व तो आप हमें दे रहे हैं, आप यही प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। इन्हीं चाहतों के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।